हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आप सबको पता है कि ग्रोथ तक हमने करा हुआ था, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्शन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। जिसने भी वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, आई वुड सजेस्ट कि एक लिंक आपकी स्क्रीन पर ऊपर पॉप हो रही होगी, प्लीज गो चेक द वीडियो फ्रॉम देयर एंड देन स्टार्ट विद द सेकंड वीडियो लेक्चर। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ देव ट्यूटोरियल, सो दैट वी कैन गेट इनकरेज टू मेक मोर सच वीडियोज। And let's get started. Hello students, reproduction से शुरू करना था हमें। तो next जो characteristic है वो reproduction है। Reproduction likewise is a characteristic of living organisms. In multicellular organism, ध्यान रखने वाली बात है, reproduction refers to production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Multicellular organisms में जो reproduction होता है उसका मतलब होता है कि जो पेरेंट होता है वो अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करता है, जो कि सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती है पेरेंट से, थोड़ी डिफरेंट होती है पेरेंट से, एग्जैक्टली कॉपी नहीं होती। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेजरली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता, वो भी होता है, पर प्राइमरीली जो रिप्रोडक्शन जब हम बोल रहे हैं तो हम उसे समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंजाई का मल्टीप्लीकेशन इन्हीं एसेक्सुअल स्पोर्स की मदद से होता है, या डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, इनको हम सबको जो है हम पढ़ेंगे जो हमारा प्लांट किंगडम होगा उसमें। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बडिंग जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो यीस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही आप याद रखोगे, बडिंग का मतलब होता है पेरेंट जो बॉडी होती है, प्लांट होता है या यीस्ट होता है, हाइड्रा होता है पेरेंट, उसमें से एक बड फॉर्मेशन होता है और थोड़े टाइम के बाद वो बड डिटैच हो जाता है उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म में इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है। प्लेनेरिया जिसको हम फ्लैटवर्म्स भी बोलते हैं, इनमें रीजनरेशन पाया जाता है, ट्रू रीजनरेशन याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, इसे वो कहते हैं ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? वापस से दोबारा किसी लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करना और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जो है वो बदल जाना। फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटिनमा ऑफ मॉसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबके कोड भी मैं आपको भी दूंगी, पर आप ये भी देखें, फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटिनमा ऑफ मॉसेस, तीन फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटिनमा ऑफ मॉसेस, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और वही फ्रेगमेंट्स जो है वापस से लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, एक अदर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जो है वो आगे जाकर के बन जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा। जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप मार्क करेंगे, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब अगर हमने आपको याद होगा तो हमने ग्रोथ में कहा था कि ग्रोथ में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और मास, दोनों का इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। इसमें अगर सेल देखा जाए, एक सेल है, एक सेल से दो सेल बन रहा है, अब वो एक जो पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में तो चेंज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक सेल का नंबर बदल के दो सेल में चेंज हो जा रहा है, दैट इज नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रहा है और पेरेंट जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अपने डॉटर सेल्स को भी या डॉटर अमीबा को भी जो है वो फॉर्म करने में मदद कर रहा है। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिनमें सिर्फ एक सेल पाए जाते हैं उनमें जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है। सिनोनिमस कहने का मतलब ये होता है कि दोनों का अर्थ एक ही है, अगर हम ग्रोथ बोल रहे हैं उसका भी वही मतलब हो रहा है और रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं उसका भी वही मतलब है। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्वलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, और हमने ये बात भी करी थी कि ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन सेल नंबर भी है और मास भी है। हेंस वी नोटिस दैट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आप मार्क करिएगा, मेरे पास नई एनसीईआरटी है,
आई होप आपको इससे ज़्यादा समझने में आसानी होगी। मैंने इस लॉकडाउन में आपके लिए नई एनसीईआरटी का बंदोबस्त कर लिया था। We notice that in single-celled organism, we are not very clear about the usage of two terms, growth and reproduction. तो जब हम unicellular organism की बात कर रहे हैं तो growth और reproduction ये जो दो terms हैं इनके बारे में हम clear नहीं हैं। इनके बारे में हम clear नहीं, हमें नहीं पता कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो इनके लिए सेम ही टर्म है कि नहीं है, या इन जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ एंड आई होप कि आप उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। नीट का ही एक क्वेश्चन है, जैसे नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि यू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी हैव क्लियर, That is, we are clear about the usage of two terms, growth and reproduction. तो ये सेंटेंस सही है या गलत है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वी आर क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इज दिस सेंटेंस राइट और रॉन्ग, ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। फर्दरमोर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। आपको पता होगा जो हनी बी होती है उसमें बहुत, उनकी पूरा एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, फैमिली चार्ट होता है, जिसमें क्वीन होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वर्कर बीज होती है। उनमें जो ये वर्कर बी होती हैं स्पेशल जो होती हैं वो क्या होती हैं, वही सबसे ज़्यादा काम कर रही होती हैं, इसीलिए उनको वर्कर बी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा क्या, वही काम ही करती हैं। बाकी जो ड्रोन और क्वीन का काम होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में उनका काम होता है। तो वर्कर बीज जो होती हैं वो इनफर्टाइल होती हैं, वो फर्टाइल नहीं होती हैं, वो आगे जा करके और बीज का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, वो काम सिर्फ कौन करती है, क्वीन कर सकती है। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristics of all living organisms. Of course, no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself. अब एक एक्सेप्शन तो ये हो गया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाला, एक ये हो गया कि कुछ तो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन इज ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, जरूर है, पर ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं है जो वन एंड ऑल जो है वो विदाउट एनी एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर देता हो। नहीं, दैट इज राइट, इज नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये डिफाइनिंग वर्ड जो मैंने सर्कल किया है उसको आप अपने बुक में अच्छे से मार्क कर लेंगे। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। All living organisms are made of chemicals. अब जो next characteristic है वो metabolism है, जो कि बहुत important है। हमारी पूरी जो body है उनमें बहुत सारे chemicals हैं। In fact, हमारी body का constituents ही जो है वो chemicals से ही मिलके बना हुआ, उनसे compound बनते हैं, धीरे 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 उनसे biomolecules बनती हैं, जो macro होती हैं, micro होती हैं, ये सबका ही एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, फिर सेल्स बनती हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक ही साथ हमारे बॉडी में हो रही होती है। हमारे बॉडी की जो मैकेनिज्म है या हमारा बॉडी जिस तरीके से बना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये केमिकल्स होती हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस साइजेस फंक्शंस आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल। इन सबके बारे में तो ज्यादातर ज्यादा डिटेल में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इसकी थर्ड यूनिट होगी। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो केमिकल्स हमारे बॉडी में वो उनका क्लास अलग होता है, वो बहुत साइजेस उनके अलग होते हैं, फंक्शंस उनके अलग होते हैं। अब एक ही केमिकल है, एक ही एंजाइम है, एक ही प्रोटीन है, वो एक ही काम तो नहीं करता है ना, अलग अलग प्रोटीन अलग अलग काम करती है। इसी का हमारे बॉडी में यही कन्वर्जन जो है, जो केमिकल्स का रिएक्शन होता है, या उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, हमारे बॉडी में कई सारे, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि केमिकल जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे मिलके एक प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट टूट करके और छोटे छोटे रिएक्टेंट्स में टूट जाता है, और छोटे छोटे जो और माइनर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं उनमें वो जो मेजर प्रोडक्ट है वो जाके टूट जाता है। उसी तरीके से कुछ छोटे छोटे केमिकल्स से, कुछ छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से मिला करके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनता है, और वही मैक्रो मॉलिक्यूल फिर टूट करके कोई छोटे छोटे दूसरे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। एक प्रोसेस होती है, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें दो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजों से मिलकर के कोई बड़ी चीज का फॉर्मेशन, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और कोई बड़ी चीज जब डिग्रेड हो जाती है छोटे छोटे फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जब एक साथ कहीं पे भी होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी एक स्ट्रक्चर में, तो उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, पूरे रिएक्शन का जो सम टोटल है। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms, be they
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, अब यहीं पे ये बात, ये चीज जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में जो है वो डिस्पेंडेंसी जो आपको दिख रही थी रिप्रोडक्शन में, वो यहाँ पे तुरंत क्लियर हो गई। इसमें बोल दिया कि वो सब रिएक्शंस जो है वो यूनिसेलुलर में भी होंगे मेटाबॉलिज्म के, और वो मल्टीसेलुलर में भी होंगे। ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई एंड माइक्रोब एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, स्पेसिफाई भी कर दिया सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स, मतलब द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोब्स इवन एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अगर मेटाबॉलिज्म है ही है नहीं तो बॉडी में कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हो, आप एक्सक्रीट कर रहे हो, वो सब कुछ एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। इसीलिए बोल दिया गया कि पूरा जो सम टोटल है दैट मींस एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला करके बनता है मेटाबॉलिज्म। कोई चीज बन रही है या कोई चीज टूट रही है, उन दोनों का जो सम होता है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें कोई चीज बनती है कोई चीज टूटती है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब यहीं पर जो है ये जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक बन रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो ये सब में पाया जा रहा है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में, एंड नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो नॉन लिविंग है ये सब चीजें लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ही होंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तो बॉडी लिविंग होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है तो बॉडी नॉन लिविंग होगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को जो है हम बॉडी के बाहर भी कर सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन जो कि बाहर किया जा रहा है इसलिए उसको आइसोलेटेड कह रहे हैं, अलग से जो बाहर किया जाता है रिएक्शन किसी बॉडी के और किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन करने के लिए हम स्पर्म ओवा को मिलाते हैं, इज नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। ये एक ऐसी स्टेट होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो बॉडी के बाहर हो रहे होते हैं, आइसोलेटेड रिएक्शन जो हो रही होती है उनको ना ही हम लिविंग बोल सकते हैं ना ही नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए, मेरा आपके लिए ये है, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग रिएक्शन। फिर से सुन लीजिए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म्ड आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग रिएक्शन। ये सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स? दोनों क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है कमेंट सेक्शन में लिख करके। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, यही एक डिफाइनिंग अभी तक आपके सामने आया है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अभी तक ग्रोथ डिफाइनिंग नहीं था, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं था। विदाउट एक्सेप्शन ग्रोथ का भी एक्सेप्शन है क्योंकि वो तो नॉन लिविंग में भी हो जाता है, रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन है क्योंकि उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस हो जाते हैं, और कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन एग्जिबिट ही नहीं करते हैं, तो ये एक्सेप्शन के साथ है दोनों। लेकिन इसमें मेटाबॉलिज्म में कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तभी लिविंग है, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है तो नॉन लिविंग है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, याद रखिएगा आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की ये न जाने नीट में कितने बार पूछ चुका है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये लिविंग थिंग्स नहीं बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग ये बोल दिया है यहाँ पे, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन जरूर श्योरली दे आर लिविंग रिएक्शंस। ये लिविंग थिंग्स नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शंस है, तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिविंग थिंग, ये सही है या गलत? हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या मेटाबॉलिज्म दोनों एक ही चीज है, इसी को हम बोल सकते हैं अभी तक का फर्स्ट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी तक आपको दो मिले हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और आपको डिफाइनिंग फीचर पहला मिला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मेटाबॉलिज्म। मैंने आपसे ये भी कहा था कि आपका रिप्रोडक्शन तक हो गया, अब मैंने आपसे कहा था कि आप एक शीट ऑफ पेपर अपने साथ रखेंगे, उसको आप ऐसे ही स्टिक कर लेंगे अपनी एनसीईआरटी में। तो अब यहाँ पे कोड था फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गे एंड फंजाई प्रोटीनोमॉर्फोसिस F3P। फ्रेगमेंटेशन होता है कहाँ कहाँ,
फिलामेंटस एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोनेमोफ मॉसेस. एक कोड है F3P. मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में यही पूछूंगी कि F3P का क्या क्या मतलब है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे. सेकेंड यहाँ पे एक चीज है, आप ऐसे लिखो, बडिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है, यीस्ट एंड हाइड्रा. अलग से बाहर निकाल के लिखो. अगर एनसीईआरटी में यहाँ पे स्पेस जो खाली दी हुई है यहाँ पे भी आप लिख सकते हो. ट्रू रिजनरेशन कहाँ पाया जाता है, प्लेनेरिया. सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है. बडिंग दो ऑप्शन दे देगा, यीस्ट एंड हाइड्रा, और एक कोई और ऑप्शन दे देगा आपको, और आप बोलेगा कि आप बताओ कि ये यीस्ट और हाइड्रा में होगा. बोथ ए एंड बी, ए बी सी टी करके ऑप्शन दे देंगे जिसमें यही दोनों सही निकलेंगे आपको. डू नॉट रिप्रोड्यूस, तीन ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, दैट इज म्यूल, स्टिलाइल वर्कर बी एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल. ये ऐसे कोड्स आप बना के लिख लो. आपको रिप्रोडक्शन में सिर्फ यही इतनी चीजें याद रखनी है इंपॉर्टेंट. बडिंग कहाँ होता है, फ्रेगमेंट F3P क्या है, ट्रू रिजनरेशन कहाँ होता है, और रिप्रोडक्शन कौन नहीं करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है. मेटाबॉलिज्म में सारे जो जितनी सारी लाइंस जो मैंने आपको बोली मार्क करने को, वो इंपॉर्टेंट है. अब आते हैं हम परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दिस एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू देम to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. The most obvious or technically complicated, जिसमें बाकी सारे जैसे से ना हम, ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी चीज है, प्रोसेस में भी नहीं कह सकते क्योंकि हम बस इसको समझना चाह रहे हैं, जिसमें कई सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे बॉडी के. अभी तो हम बॉडी के बेसिक्स को भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हम ये सब चीजों के लिए एकदम अनअवेयर है. तो अभी ये सेंटेंस एकदम सही है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिससे वो एक एबिलिटी, वो एबिलिटी जिससे वो बाहर की चीजों को सेंस करते हैं, और जो इन चीजें उन्होंने सेंस करी उसको स्टिमुलाई करते हैं, उसके अगेंस्ट या उसके टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्स देता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिस्पॉन्स फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है. ये एक बहुत टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है. या हमें अभी यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज वी आर जस्ट स्टडिंग द बेसिक्स. अभी हमने ह्यूमंस लिविंग के बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बताओ अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सोचो हमें कुछ नहीं पता, तो हम ये कहें हाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी चीजों को सेंस करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो हमें ये चीजें इतनी ईजी नहीं लगेंगी इस स्टेज पे. तो एनसीईआरटी कि कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम ये सोच रहे हैं कि लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीचर है. वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा. हमारे पास, हमको पता है, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हम चीजों को सेंस करते हैं, और उसी के सेंस ऑर्गन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई के थ्रू. जो स्टिमुलाई हमें मिलता है उसी के अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स करते हैं. प्लांट्स पे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, सॉरी फिजिकल नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स, इन सबके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करते हैं. जैसे लाइट ज्यादा हो जाती है, या पानी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो लीव्स ड्रूप कर जाती हैं, विल्ट कर जाती हैं. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. तो पहला फीचर ऐसा था जो सब में पाया गया था, यहाँ पे फंजाई, प्लांट्स, माइक्रोब्स, सब में मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे भी prokaryotes से लगाए. और from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, बाकी जितने भी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्रोकैरियोट्स से लगा यूकैरियोट्स तक सब के सब जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स फोटोपीरियड्स अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फोटोपीरियड का मतलब होता है दिन और रात का जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अब ड्यूरेशन कितना है, कैसा है, उस पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है रिप्रोडक्शन का, किसमें, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी. सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और एक कंटिन्यूस ब्रीडर्स होते हैं. कंटिन्यूस ब्रीडर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डे और नाइट पे, उनके ड्यूरेशन पे, टाइम पे, सीजन पे, पर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है. जैसे एक पर्टिकुलर सीजन में ही कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, पर लाइक रैबिट एंड ह्यूमन जो कि कंटिन्यूस ब्रीडर है, उन्हें रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक सीजन की जरूरत नहीं होती है, पर कुछ सीजनल ब्रीडर्स जरूर होते हैं. कुछ सीजन क्या, ह्यूमंस और रैबिट्स को छोड़ के मैक्सिमम जो है वो सीजनल ब्रीडर्स ही होते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज.
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर देयरफॉर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इसको याद रखेंगे. सारे ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में जो भी जा रहा है वो प्रोकैरियोट्स से लेकर के यूकैरियोट्स तक हर ऑर्गेनिज्म उसके लिए अवेयर होता है कि हमारी बॉडी में क्या जा रहा है और हम उसके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्स कर रहे हैं. तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेयर होता है, पर ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस. सारे ऑर्गेनिज्म्स में बी इट प्रोकैरियोट, बी इट यूकैरियोट, सब में कॉन्शियसनेस पाई जाती है, वो अवेयर होते हैं. पर ह्यूमन बीइंग सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं, ओनली ऑर्गेनिज्म्स, हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज दे हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फिर यहाँ पे देखिए, दो आपको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मिली. पहला तो मिला था मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मिल गया आपको यहाँ पे ये कॉन्शियसनेस. फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रू और फॉल्स? When it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospital, virtually supported by machines which replace hearts and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life living or non-living? जो पेशेंट्स जो है वो कोमा में जा चुके होते हैं, जिनको हम ब्रेन डेड बोलते हैं, जो वेंटिलेटर्स पे होते हैं, उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं होती. आर सच पेशेंट्स हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और डेड और नॉन लिविंग? तो आप मुझे ये बताना, अगर आप जो सोच सकते हो पहले, उसके बाद मैं तो आंसर आपको दे ही दूंगी इसका नेक्स्ट लेक्चर में. पर ये क्वेश्चन आपके लिए है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी नहीं है इसके में जो पेशेंट है, तो क्या वो जो कि ब्रेन डेड है, तो क्या वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग? In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. जो भी life processes हैं या जो भी life related phenomena जो हमारे body में होती हैं, वो एक interaction का result है. अकेले कोई चीज जो है वो capable ही नहीं है कि कोई एक ही चीज हो वो अकेले सारी चीजों को कर पाए. नहीं, वो एक चीज और कई छोटी छोटी चीजों के साथ link करेगी, interact करेगी, तभी कोई एक process जो है वो होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मार्क कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. आपको पता है सेल से मिलकर के जो है वो टिश्यूज बनते हैं, पर जो टिश्यूज की प्रॉपर्टी है वो किसी एक सेल से नहीं आती है. वो कई सारे सेल जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो हर सेल की जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होगी या कोई जो अलग अलग फीचर्स होंगे वो मिल करके फिर सारे के सारे एक टिश्यू में आते हैं. तो सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और फिर एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिसमें सारे सेल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है. इसीलिए जो टिश्यू है वो भी कई सारे सेल्स के मिलकर के बना है, उनके सेल्स का इंटरैक्शन है, तभी टिश्यू का जो फंक्शन है वो अकेला जो है वो एक ही सेल का नहीं है, बट जो कई सारे सेल्स का इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से टिश्यू में वो प्रॉपर्टी आती है. सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल है, आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल. जो भी जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है आपका, वो सारे के सारे उनमें जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो सारे के सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट से, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल से या मॉलिक्यूलर पार्ट से जो कि ऑर्गेनल्स बने हुए रहते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपका एक सेलुलर ऑर्गेनल का फॉर्मेशन होता है. ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनल सेल का बना तो एक ही सेल से बन गया, नहीं, वो कई सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनल से मिलकर के बनता है. These interaction result in emergent properties in at a higher level of organization. यही interactions जो होती है वो आगे जाकर के higher level जो है वो उसको develop कराने में मदद करती है. जैसे cells interaction करके tissues का interaction से organ के interaction से organ system बनता है. यही सारी चीजें जो है वो, और कोई एक चीज अकेले, एक cell अकेले एक tissue को नहीं बना सकता. एक cell कई सारे cells जब interaction करेंगे तब एक tissue बनेगा. यही इस पूरे का कहने का मतलब है. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. आप इन सब चीजों को, सारी चीजों को जो है वो ऐसे
बॉक्स में भरेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, हमारे में एवोल्यूशन की टेंडेंसी होती है, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, हम अपने जैसे बॉडी टेम्परेचर है, इन सब चीजों को हम सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं। Biology is the story of life on earth. Biology is the story of evolution of living organisms on earth. बायोलॉजी जो है वो लाइफ की जो है वो स्टोरी है, जो कि अर्थ पे हम कैसे आए, कहाँ से आए, क्या हमारा यूनिवर्स कैसे बना, ये सारी चीजें सब हम बायो के अंदर पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, लाइफ कैसे आई, हम इवॉल्व कैसे हुए, यूनिवर्स कैसे बना, फिर अर्थ कैसे बना, इन सब चीजों की जो स्टडी है वो हम यहीं पे करते हैं। Biology is the story of evolution of living organisms on earth. All living organisms that is present, past and future are linked to one another by sharing of common genetic material but to varying degree. ये देख, ये बहुत important line है, बहुत ज़्यादा important line है. All organisms present, past and future, ये सब एक दूसरे से linked है, common genetic material हो सकता है, पर जो content है उसका amount, जो DNA का amount है वो vary करता है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे, जेनेटिक मटेरियल कॉमन तो हो सकता है, डीएनए तो हो सकता है, कई सारे में डीएनए ही होता है, सारे मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही पाया जाता है, पर वो डीएनए जो है वो कॉमन है, पर उसमें जो है फिर भी वेरिएशन है, टू इसीलिए लिखा है बट टू वेरिंग डिग्रीज, इसलिए जो कंटेंट है वो वेरी करता है डीएनए का। अब हम आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड पे। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म जो हमें आसपास अपने दिखते हैं उन्हीं सारी चीजों का कंपाइलेशन कर देंगे, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स नहीं, सम टोटल जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये सारी चीजें जो हमें अपने आसपास देखती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। जैसे सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। उसी तरीके से सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड नियर आवर एरिया, या जिनको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे प्रेजेंट है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और पेट्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। देयर आर ऑल्सो सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आईज, बट दे आर ऑल अराउंड यू। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you would see probably increase. हम अपने आसपास लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, भले वो प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, और वैसे भी जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हमने अपना अपना एरिया बढ़ाया, जैसे मान लो हम अपने घर के आसपास देख रहे हैं तो कम दिखेंगे, अब अगर हम जहां रह रहे हैं उस पूरे एरिया में, उस पूरे सिटी में के आसपास देखेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। अब हम इंडिया की डाइवर्सिटी देखेंगे तो और बढ़ जाएगी, वर्ल्ड की देखेंगे तो और बढ़ जाएगी। If you increase the area, यही कहने का मतलब है, तो observation, अगर area observation आप बढ़ाओगे तो आपकी जो diversity है वो भी उसमें भी आपको increase दिखेगा। If you were to visit a dense forest, you will probably see a much greater number and kinds of organism. अगर आप Amazon जाओगे जहाँ पे सबसे ज्यादा rich diversity पाई जाती है, वहाँ आपको सबसे ज्यादा rich diversity दिखेगी। The number of species that are known and, बहुत important है, that are known and described range from 1.7 to 1.8 million. यही range है जो आपको याद रखनी है, 1.7 से 1.8 million जो है वो species अभी तक हमारे, हमें known है, और यही हमारे wide diversity का जो है वो मेजर है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, कितने तरीके के जानवर और कैसे कैसे जानवर जो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने सारे प्रेजेंट हैं अर्थ में, उन्हीं का सम टोटली क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर अ न्यू एरिया एंड इवन द ओल्ड वन, न्यू ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। और अभी भी ऐसे, हम ये इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि अभी भी ऐसे बहुत सारे रेंज हैं ऑर्गेनिजम्स के जो अभी हमें पता नहीं है, प्लांट्स के जिनकी स्पीशीज अभी आइडेंटिफाइड नहीं है। तो ये जो 1.7 टू 1.8 है वो एक रेंज है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के स्टेज पे भी है अगर हम उस डायरेक्शन में उतना आगे बढ़ें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां, उसमें हम जो है वो नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, इन सब चीजों से शुरू करेंगे। इसमें बाकी और सारी चीजें होंगी जो कि इससे एकदम अलग है, तो इसलिए हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। आपको जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड प्लीज गिव अ लाइक एंड थम्स अप सो दैट वी कैन इम्प्रूव मच बेटर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।